हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग टू लर्न एंड फन। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अप्लाइंग द टेक्स्ट टू एन इमेज एट दिस सेंटर पॉइंट। से यहाँ पे इस इमेज में सेंटर पे मैंने टेक्स्ट को अप्लाई किया है और इसे किस तरह से प्रैक्टिकली करना है ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। जैसे कि आपने मेरे कुछ वीडियो, एक दो वीडियो पहले आपने देखा रहेगा, सी यहाँ पे हमने ये चार वीडियो बनाया है। दिस वन इज अप्लाइंग टेक्स्ट टू दी टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ओके। और यहाँ पे ये वीडियो है टॉप राइट कॉर्नर, यहाँ पे ये वीडियो है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, और यहाँ पे वीडियो है बॉटम राइट कॉर्नर। सो आज जो हम बना रहे हैं दैट इज सेंटर ऑफ एन इमेज, यहाँ पे टेक्स्ट किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, सो आप देख लीजिए, इसे सीखिए, समझिए। और ये सेंटर वाला जो आज का जो वीडियो है उसे भी आप देखिए, सीखिए, समझिए, ओके। सो स्टार्ट करते हैं विथ बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर टाइप करके रख दिया है। टाइटल में मैं लिख रहा हूँ इमेज टेक्स्ट सेंटर, ओके। सेंटर पे हमें ये टेक्स्ट चाहिए ऑन एन इमेज। सो बॉडी के अंदर हम टेक्स्ट को पहले हम कॉल करेंगे, मगर टेक्स्ट कहाँ पे कॉल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ड्यू। ड्यू के अंदर टेक्स्ट को बुलाएंगे। आज मैं ड्यू की जो पिछले जो दो चार वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, जो उसके अंदर जो मैंने नहीं डिस्कस किया है ना, वो मैं आज अभी थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि यहाँ पे हमें ड्यू क्यों ओपन करनी चाहिए। सो यहाँ पे हम ड्यू को ओपन करते हैं। ड्यू का हमें हेल्प क्यों लेना चाहिए, ड्यू को ओपन करते हैं। यहाँ पे एक ड्यू ओपन करेंगे एंड सेकेंड ड्यू भी ओपन करेंगे, दो ड्यू चाहिए हमें यहाँ पे, ओके। अभी जो फर्स्ट वाली ड्यू है ना, उसके अंदर हम इमेज को कॉल करेंगे। इमेज आईएमजी एसआरसी इक्वल टू जो पीक है, जो पिक्चर हमें लेना है उसका नाम है वाटरफॉल डॉट जेपीजी, ओके। एंड इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं एंड इसका आउटपुट देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आउटपुट बताते रहता हूँ। आज भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आउटपुट बताऊंगा कि कौन से स्टेज पे क्या हो रहा है। सी, हमने सिर्फ इमेज को कॉल किया है और इमेज हमारी इतनी बड़ी है कि वो ऑटो पॉपुलेटेड है, तो इस तरह से उसका इतनी बड़ी इमेज आ रही है। यस, सो आगे बढ़ते हैं। हमें इसे, इस इमेज को हमें कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। सो यहाँ पे हम सीएसएस में जाएंगे और इमेज को यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। पहले हम इमेज छोटी कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम इमेज के लिए यूज करेंगे डॉट पीआईसी, पिक, पिक वाला क्लास ओपन करेंगे और इमेज को हम विथ, विथ मींस लंबाई, विथ दे देते हैं 600, ओके, 600 पिक्सल। एंड हाइट दे देते हैं ऑटो। ऑटो क्यों देंगे, क्योंकि जितनी हमारी विड्थ है उसके हिसाब से वो हाइट जो है वो कैलकुलेट करके ऑटो फिगर से, उसका ऑटो वैल्यू से उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। सेव करते हैं एंड इस पिक वाले क्लास को हम यहाँ पे इमेज में, यहाँ पे इमेज में यूज करेंगे। इमेज क्लास इक्वल टू पिक, सेव करते हैं एंड इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश। 600 विथ लिया था तो 600 विथ आ गया है यहाँ पे एंड इसकी हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली आ गई है। अभी हमें यहाँ पे टेक्स्ट यूज करना है, टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट यूज करना है। सो टेक्स्ट किस तरह से यूज करेंगे, पहले टेक्स्ट हम लिखेंगे,
डॉट सेंटर टेक्स्ट। यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सेंटर का स्पेलिंग जिस तरह से जहाँ पे हम कैपिटल यूज करते हैं या स्मॉल एबीसीडी यूज करते हैं, सो वही चीज हमें HTML में भी सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। ओके, वहाँ पे कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, हमारा जो आउटपुट है वो आएगा नहीं। तो यहाँ पे सेंटर टेक्स्ट जो है, वहाँ पे हम पोजीशन अलॉट कर देते हैं। पोजीशन हमें चाहिए एब्सोल्यूट। ओके, देन टॉप से हमें चाहिए, अच्छा टॉप वाला पार्ट और राइट और लेफ्ट। सी आज का लॉजिक क्या है, हमें क्या करना है कि हमें ये पिक्चर जो है, ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है उसे टॉप से, सेंटर का मतलब क्या हो गया, टॉप से आधा एंड लेफ्ट या तो राइट से आधा, राइट। सो इसे हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं। वन सेकेंड, देखिए, सी सेंटर का मतलब क्या हो गया है, ऊपर से नीचे, ये 50% होना चाहिए, ये 50 है तो ये भी 50% है, राइट आधा। एंड यहाँ पे ये जो इमेज है यहाँ से यहाँ पे कट करेंगे तो ये भी, ये दिस वन इज ऑल्सो 50%। सो ये 50% है लेफ्ट से, यहाँ से राइट से 50% है, टॉप से 50% है एंड बॉटम से 50% है, तभी जाके हमें एक सेंटर पॉइंट मिलता है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लॉजिक यूज करेंगे कि टॉप से हमें, हम पिक्सल का यूज नहीं करेंगे आज के इस प्रैक्टिकल में, हम पिक्चर का क्या बोलते हैं, पिक्सल का यूज नहीं करेंगे, हम परसेंटेज का यूज करेंगे, 50%। टॉप से हमें 50% चाहिए एंड लेफ्ट पकड़ लो या राइट पकड़ लो, वहां से भी 50% चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर लेफ्ट लिखता हूँ, लेफ्ट टाइप करता हूँ, तो वहां से भी हमें 50% चाहिए, राइट। ये लॉजिक यहाँ पे यूज करना है हमें, क्योंकि ये सेंटर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट और टॉप एंड लेफ्ट का हम 50% लेंगे। फिर बाद में एज हम ये टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज का यूज करेंगे। ओके, फॉन्ट साइज हमें चाहिए 30 पिक्सल। यहाँ पे हम परसेंटेज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फॉन्ट साइज परसेंटेज में नहीं यूज कर सकते। देन फॉन्ट का कलर, कौन सा लेंगे, डार्क ले लेते हैं, दिस वन। ओके, डार्क ब्लू। एंड फॉन्ट का बैकग्राउंड, कलर वो ले लेते हैं डार्क के ऊपर, अगर डार्क हमारा फॉन्ट है तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। ओके, सो लाइट इन द सेंस ये ले लेते हैं एक्वा। ओके, यस, ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, यस। ओके, इसे सेव कर देते हैं एंड सेंटर टेक्स्ट जो है उसका यूज हम यहाँ पे HTML में इस वाले डिव में करेंगे, दिस डिव। क्लास इक्वल टू सेंटर टेक्स्ट, देख लीजिए बराबर हमने लिखा है कि नहीं, सेंटर टेक्स्ट जिस तरह से यहाँ पे लिखा है उसी तरह से हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है जरा बताएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, टेक्स्ट एट द रेट सेंटर, यहाँ पे मिस जो भी हमें चाहिए, नाम भी लिख सकते हैं, राहुल, किरण, आशा, निशा, कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स जो भी हमें, हमारे रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट एट द रेट सेंटर,
सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेंटर इसने ले लिया बट कौन सा सेंटर लिया वो पता नहीं, मगर इमेज के टोटली बाहर आ गया है हमारा ये पर्टिकुलर टेक्स्ट। सो इसे हमें यहाँ पे बीच में चाहिए। सो कैसे करेंगे, यस जैसे कि एट द स्टार्टिंग पॉइंट ये बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर जब भी मैंने टाइप किया था और वो टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिव के बारे में नहीं बताया वो मैं आज इस लेक्चर में बता रहा हूँ। और वो क्या है कि जब हम डिव को जब भी ओपन किया है यहाँ पे, वन सेकेंड सी, यहाँ पे हमने दो डिव का यूज़ किया है, डिव वन यहाँ पे उसको क्लोज किया एंड डिव टू जहाँ पे हमने टेक्स्ट का यूज़ किया है, ओके। और फर्स्ट वाले डिव के अंदर ही हमने इमेज का यूज़ किया है, ओके, इमेज को हमने कॉल किया है। तो ये पर्टिकुलर डिव जो है हमें उसे प्रॉपरली कंट्रोल करना है, ओके। सो उसके लिए कुछ भी हम मीन्स लिख सकते हैं ड्यू के लिए, ड्यू के मीन्स ड्यू को क्लास देने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोनी, ओके। आपने अगर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा, लास्ट चार वीडियो देख लीजिए, समझिए कि यहाँ पे क्या लॉजिक यूज़ किया जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे टोनी में मैं लिखूँगा, उसे पोजिशन दूंगा किसे, ड्यू को। ये जो टोनी नाम का जो क्लास है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर ड्यू। तो यहाँ पे इसे पहले पोजीशन देंगे ड्यू को एंड पोजीशन आई वांट रिलेटेड, ओके। लास्ट चार वाले वीडियो में मैंने ये नहीं बताया कि ड्यू को कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो मीन्स डायरेक्टली वो ओपन हो रहा है और कहाँ पे क्लोज हो रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में। मीन्स क्या बताऊँ, ड्यू जो है जहाँ से ओपन होता है तो वो पूरी लाइन लेता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे ड्यू के क्लास को बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर ये ले लेते हैं ये वाला, ओके। सेव करते हैं एंड डॉट टोनी जो क्लास है उसे हम ये वाले ड्यू के अंदर क्लास टोनी सेव, प्रॉपरली लिखा है टोनी, यस क्लास टोनी सेव करते हैं। ये CSS वाली फाइल को भी सेव करते हैं कंट्रोल एस करके एंड यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करते हैं। सी ड्यू कहाँ पे ओपन हो रहा है और कहाँ पे क्लोज हो रहा है वो अभी आपको पता चल जाएगा। सी फ्रेंड्स ये इतनी बड़ी ड्यू हमारी हो गई है, ओके। सो इसके लिए ड्यू को भी कंट्रोल में रखने के लिए हमें CSS का हेल्प लेना चाहिए। ये ड्यू जो है वो यहाँ से ओपन हो रही है मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से, उसके अंदर उसने पिक्चर को ले लिया, टेक्स्ट को भी ले लिया और ड्यू क्लोज हो रही है दिस एंड पॉइंट। और ये जो टेक्स्ट जो है वो हमारे बीच में ही आ रहा है, ओके। आप यहाँ से इसका साइज देखिए, यहाँ पे साइज देखिए, जो भी साइज उसने छोड़ा हुआ है दैट इज 50-50%। जैसे कि हमने टॉप से लिया था 50% एंड लेफ्ट से लिया था 50%, तो हमारा ये जो टेक्स्ट है वो बीच में ही आ रहा है, ओके। वी आर नॉट रॉन्ग बट हमें इसे अभी कंट्रोल करना है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि ये ड्यू को किस तरह से हम पोजिशनिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया है कि पिक्चर की विड्थ कितनी है, हमें पिक्चर की विड्थ जो है ना वो यहाँ पे दैट इज 600 पिक्सल। सो यहाँ पर भी हम, अच्छा ये एग्जांपल हो गया, तो यहाँ पर भी हम 600 पिक्सल डालेंगे बट ये बैकग्राउंड कलर जो ड्यू को दिया है वो हम यहाँ से निकाल देंगे। सो यहाँ पे हम ड्यू की विड्थ और यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे, आई वॉन्ट 600 पिक्सल ऑफ ड्यू का विड्थ एंड ड्यू का हाइट भी हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे, ऑटो में डालेंगे, ओके।
सेव करेंगे एंड यहाँ पे आके इसका आउटपुट देखेंगे। सी फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है। अभी ये बीच वाली मिस सेंटर पॉइंट नहीं है, ओके। ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो सेंटर पॉइंट नहीं है, और सेंटर पॉइंट के लिए हमें और एक चीज़ का यहाँ पे यूज़ करना है जो हमने लास्ट चार लेक्चर में नहीं किया, और वो है जो हमने टॉप से 50% लिया, लेफ्ट से 50% लिया, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% एंड -50%। अब इसका मतलब क्या है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% एंड -50%, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, सेव करते हैं एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। सी फ्रेंड्स, हमें हमारा आउटपुट मिल गया है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50% एंड 50%। उसका मतलब क्या है, सी यू, यहाँ पे अगर हमने 50% लिया है प्लस 50% लिया है तो यहाँ पे -50% आना चाहिए। अगर यहाँ पे 50% लिया है तो यहाँ पर -50% आना चाहिए, तो हमें प्रॉपरली सेंटर पॉइंट मिलेगा, राइट। ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, इसका मतलब यही है, ओके। ऊपर से 50% लिया है तो नीचे से -50% हमें लेना है, तभी जाके हमें प्रॉपरली सेंटर पॉइंट मिलेगा। सो ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, इसे आप याद रखिए। एंड ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो सेंटर पॉइंट के लिए ही यूज़ की जाती है, ओके। सो होप आज का ये पर्टिकुलर लेक्चर, ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर और चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 30% है, यहाँ पे हम 50% भी ले सकते हैं, 50 पिक्सल। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग वी कैन डू, ओपेसिटी, हम यहाँ पे ओपेसिटी का यूज़ करके टेक्स्ट को अगर थोड़ा सा ब्लर करना है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो ब्लर कहाँ पे करेंगे, ओपेसिटी पिक्चर के अंदर यूज़ करेंगे, 0.7 यूज करते हैं, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। सी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ब्लर हो गया है हमारा पिक्चर, थोड़ा 0.3 करते हैं, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। सी फ्रेंड्स, 0.3 से इस तरह से ब्लर हो गया है, ओके। सो ओपेसिटी में यहाँ से निकल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। इट्स लाइक अ गेम, अगर हमें डेयर ना मिले कुछ करने के लिए तो मज़ा नहीं आता है। सो मैं आपको डेयर देता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए। ये मैंने जिस तरह से यहाँ पे चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, जिस तरह से आउटपुट मिल रहा है, आप भी देखिए और इसे सीखिए, ओके। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस चैनल पे, सीखते रहिए मेरे साथ HTML, CSS, JavaScript एंड आने वाले समय में मैं आपको C++, Python, SQL ये सब सिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।